Beautiful morning guys, good morning, welcome back to our another vlog and I hope you are guys fine absolutely wherever you are in the world. देखो सर कैसे अच्छे से निकल आया है और यहाँ पे ये भाई सब जा रहा है. हेलो हर्षिल. हेलो. वेट वेट वेट. हाय हाय. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. जय श्री कृष्णा. जय श्री कृष्णा. हाउ आर यू टुडे? फाइन फाइन. तो भाई मॉर्निंग भी अच्छे से हो गया है. क्लियर स्काई है आज, पूरा क्लियर है आज. मॉर्निंग से 7 बजे से अच्छे से सनी निकल आया है ब्यूटीफुली. तो आज का दिन तो बहुत अच्छा रहने वाला है. और गर्मी है, ठंडी तो लग रही है अभी तो थोड़ी, क्योंकि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में थोड़ी बहुत लगती है. और थोड़ा जैसे जैसे आगे आगे दिन जाता जाएगा वैसे वैसे ठंडी कम हो जाएगी. तो देखो भाई यहाँ पे काम ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये पूरा बांध के ना फिर इसके ऊपर छड़के ना घर का काम होता है. और हम लोग जा रहे हैं स्कूल पे और सब लोग उठ गए हैं और नाश्ता पानी सब हो गया है. और अभी वो दोनों टीवी देख रहे हैं तो हम लोग कभी चलो फिर मिलते हैं. तो गाइस अभी बज गए हैं 10:20 होने वाली है अभी. मैं आ गई हूँ ऊपर. देखो हमारे रूम की हालत अभी कैसी है. मॉर्निंग में ना सब उठ के वैसे ही चले जाते हैं और जब भी मैं फ्री हो जाती हूँ मैं आके ना टाइड अप कर जाती हूँ. तो चलो अभी मैंने ना ये बेड कवर मैंने धोए थे दोनों तो सूख गए हैं. तो अभी मैं इसको पहले अच्छे से बिछा देती हूँ, उसके बाद ये धबड़ा हमारा जो ब्लैंकेट ओढ़ने का है उसको फिर फोल्डिंग करके रख देते हैं. और देखो पूरा मेस पड़ा हुआ है यहाँ पे. तो भाई इसको पहले क्लीन कर लेते हैं. और वेदर देखो कितना गर्म है. कपड़े वपड़े सब डाल दिए हैं. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून. एंड अभी बज गए हैं दोपहर के 12:30 और मैं हो गई हूँ फ्री. अभी अभी ऊपर से आई सारा कुछ क्लीन करके. तो बस अभी यहाँ पे अभी सनी एंजॉय कर रहे हैं. और आज ना इतना सनी है कि बात ही मत पूछो. ज़्यादा सनी आ जाता है तो भी प्रॉब्लम होता है, सनी नहीं होता है तो भी प्रॉब्लम होता है. लेकिन कोई बात नहीं, अभी चलेगा. और इन दोनों को भी नहला के आई हूँ और फिर से निकल गए हैं गार्डन में. तो ये बस अभी इधर आ गए हैं. तो अभी भाई ये सब दोनों साइकिल खेल रहे हैं. तो भाई अभी ये तो देखो भाई अभी ये यहाँ पे अभी खेल रहा है. और बिन आज थर्सडे है तो बिन मॉर्निंग में लेके गए थे तो बिन भी धोके ना उसको अच्छे से अभी वो सूख भी गया होगा. तो अभी शाम तक ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पे रख देंगे. और यहाँ पे है हमारा चूल्हा जो कि हम शाम को खाना बनाते हैं. और ये बिन है ना छोटी वाली, ये उड़ गई थी तो उसको अभी लेके यहाँ पे रखा है. तो जब ये दोनों बिन को यहाँ पे हम रख देंगे. और ये दोनों भाई देखो ऊपर से नैला के सनक्रीम लगा के आई हूँ. हाँ बाय बाय. जय श्री कृष्णा. विहान जय श्री कृष्णा. हाँ गावे साइकिल आको तो जो अभी ये लेफ्ट ही है, लेफ्ट लेग लेके ना वो साइकिल वो उसको क्या मिल गया है, कबूतर का पीछा मिल गया है शायद, दूर आएगा. विडो विहान थैंक यू. अभी आयुष ने ले लिया है. उड़ा उड़ा उसको, आइए उड़ा दे, हवा में उड़ा. नहीं उड़ रहा है. नहीं पीछा नहीं है शायद, क्या है वो, रू तो नहीं है ना. इतनी ठंडी लागे अभी. देखो फिर से उसने ले लिया है. रेस करो रेस बे भाई. ओ हर्षिल गया है स्कूल पे मॉर्निंग में. कल ना हर्षिल को गिफ्ट मिला था उसकी वजह से हमारा थोड़ा नोक झोंक हो गया, क्योंकि ये इन दोनों ने देखा ना उसके पास. तो
दोनों लड़ने लगे और हर्षिल दे नहीं रहा था, तो उस बात की वजह से थोड़ा नोकझोंक हो गया था। लेकिन मैंने बोला हर्षिल को अभी मैं तेरे साथ नहीं बात कर रही हूँ, तो थोड़ी देर उसका मूड ऑफ हो गया और उसके बाद फिर सामने से हुआ मम्मी ये हुआ मम्मी वो हुआ, मनाने के बहुत कोशिश की मुझे, लेकिन फिर मैं ना उस मान गई। जब वो क्यूट क्यूट बोलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। गो यस वी हम साइड मार रहे तो भाई गो करे। रेडी रेडी स्टेडी एंड गो, भागो 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 यहाँ भाग। अभी हमारी गाड़ी जा रही है, रेडी स्टेडी गो। देखो अभी दोनों पैर उसने ना इसके ऊपर रख दिया है, टन नहीं लग रहा है। तो गाइस अभी बज गए हैं 3:30 और अभी ना मैं कुछ दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे ना मैंने ओनियन काटना स्टार्ट कर दिया है, अभी इसको छील लिया है और अभी मैं काटूंगी और अभी कुछ दिखा रही हूँ। अभी देखना अच्छे से देखना, ये भाई साहब देखो कहाँ पे एंजॉय कर रहा है उसकी मैंगो, और मेरा सैडल भी दिख रहा है इसमें और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। और देखो ये भाई साहब को हेलो, अभी कहाँ पे ये गार्डन में खाने के लिए आ गया है भाई। डिड यू एंजॉय इट, हाउ शेयर एंजॉय। अभी पूरा बिजी हो गया है, हॉस्टल हो गया है और सारे कपड़े भी उड़ गए हैं। देखो कितनी बार मैंने ले नीचे से उठा के कितनी बार मैंने डाला दोरी पे, लेकिन फिर भी देखो भी हर्षल को लेने के आने के बाद अभी फिर गार्डन में आई तो देखा तो सारा उड़ गया है, ये सारा उड़ गया है। देखो भी अभी फिर से उसको उठाना पड़ेगा। हाँ क्लिप देम यस ओके, पर क्लिप से अपन में मारवानी भूली गई तो सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं रिमेम्बर करूँ। ओ माय गुडनेस हवा तो देखो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। केम आउट और चलो मैं ओनियन काट लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाते हैं खाना। माय मॉम इज कटिंग ओनियन एंड दिस इज द लास्ट वन। गुड Good sunny, enjoying onion cutting. It's very nice sunny today. Very weather clear, pura clear hai. Hawa bahut zyada chal rahi hai. Everything is blowing, flying, flying, flying away. Even my bouncy ball was flying away. Even if Herschel is flying away. Even the chair is flying away. Yeah, everything is flying. Even the house is flying away. No house flying. Everything else is flying. स्टोर માં આવીને ભટકાઈ ગઈ પછી પડી ગઈ ઓકે गाइस। अभी बच गए हैं 5:30 और हमारा रोटी बन चुका है। अभी चूल्हे पे रोटी बनाया है, आज सबके लिए चूल्हे पे रोटी बनाई है और हवा की वजह से देखो
कितना ये। और यहाँ पे अभी लगने जा रहा है तड़का, आज हम बनाने वाले हैं एक ओड़िया की दाल। भाई अभी ऑयल भी गर्म हो चुका है, अभी यहाँ पे मैंने ऑनियन भी लेके रखी है, अभी ये ऑनियन भी डाल दूंगी। घर में ना जब ऑनियन डालते हैं ना तड़का लगाने के बाद, तब वो उसका कवर भी ढक देते हैं ताकि स्मेल ना उसमें अच्छे से बैठ के बैठ जाए। अभी गार्डन में बना रही हूँ तो पूरी स्मेल उड़ गई है। और लकड़ियाँ ना ये छोटी छोटी है तो जल्दी जल्दी ये जल रही है, बड़ी वाली लकड़ियाँ नहीं है, ये वाली छोटी है तो इसी से काम चलाते हैं। अभी अभी तड़का लग गया है और कुछ नहीं डाला है। और भी थोड़ी ऑनियन बची है वो मैं डाल देती हूँ अभी। तो भाई अभी हमारा ऑनियन पक रहा है और हमने मसाला भी रेडी कर दिया है, हमारा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, दस इट और ये सब सारी चीज़ें रेडी करके अभी रख के आई हूँ घर में। और यहाँ पे और ऑनियन यहाँ पे पक रहा है, इसको ये ज़्यादा ऑनियन हो गई है, लेकिन फिर सोचा अभी थोड़ी रे रख के भी क्या करूँ, तो चलो फिर डाल दिया सारी की सारी ऑनियन। और इसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे ताकि ग्रेवी ना उसकी थोड़ी ठीक हो जाए। और हसी को स्कूल पे छो ले के आने के बाद ना मेरे पास टाइम नहीं रहता है व्लॉग बनाने का, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे पे लगी होती हूँ तो हमारा जो मुझे चाय बनता है वो भी नहीं ले पाती हूँ मैं, क्योंकि आज ना रोटी बनाने की थी गार्डन में तो जल्दी जल्दी मैंने किया। अभी ऑलमोस्ट 5:30 तो हो ही गए हैं, अभी ये पकेगा तो उसे बच जाएगा, उसके बाद फिर खाना बना खा के बर्तन वगैरह साफ करके थोड़ी देर बैठेंगे, बातें चीते बातचीत करेंगे एंड फिर जाएंगे सोने के लिए। और ऊपर जाएंगे तो ऊपर हम खेलेंगे गेम, मैं और हर्षल स्पेशली खेलते हैं जो वर्चस वाली वो बुक लेके आए ना वर्चस, तो वो वाली गेम हम खेलते हैं, एक दो गेम खेल लेते हैं और उसके बाद फिर सो जाते हैं। फिर से मॉर्निंग में वही रूटीन हमारा, चाय रोटी बनाने का वो सारा कुछ जो भी मैं इसमें वीडियो में दिखाती हूँ वो हमारा नॉर्मल जो रूटीन है जो हमारा नॉर्मल है वही दिखाती हूँ, कुछ इसमें फेक नहीं है, जो मैं करती हूँ वही मैं दिखाती हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ हवा में से ले के रख देती हूँ, ऐसा नहीं है, हमारा जो है वही है। शॉपिंग जाते हैं तो क्लिप लेती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। अभी देखो ये भाई साहब दोनों यहाँ पे खेल रहे हैं और झगड़ा भी कर रहे हैं, और इसमें ना इतने बहुत ज़्यादा फायर हो गया है क्योंकि ये पतली पतली है ना तो जल्दी आग पकड़ लेती है, इसमें पतली लकड़ी है ना जल्दी इसे जल जाती है। तो भैया आज की वीडियो हम इधर ही ओरिया की दाल और रोटी के साथ ख़त्म कर देती हूँ। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड हाँ अगर आप नए हो तो जल्दी से लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, 1 लाख तो बनता ही है गाइस, प्लीज़ वी नीड योर सपोर्ट, थैंक यू गाइस।